दुबई की तरफ जा रहे हैं। ये पीछे जो हमारा बैठा हुआ ना भाई, ये हमारा छोटा भाई है, ये बांग्लादेश का है, जो कि बांग्लादेश हमारा छोटा भाई है, और ये भी हमारा छोटा भाई है। ये बड़ा होश है दुबई में। ये सामने जो है ये बॉस है इनके, तो मैं खाली ऐसे घूमने आया था तो ये लोग मुझे मिल गए, तो इन्होंने बोला यार आपको हम दुबई और शारजा दिखाते हैं। तो दुबई किस तरह है कि भाई यहाँ पे काम करने वालों की बहुत ज़्यादा इज्जत है, और जो काम नहीं करते बेकार बैठते उनको उनके मुल्क जल्दी जल्दी भेजा जाता है। हुई भाई मेरे, आपका नाम क्या? किशन था ना? मोहम्मद ईशान। मोहम्मद ईशान भाई आप बड़े जुनी अभी पाकिस्तान में आपको देखेंगे सारे के सारे, आप हमारे पाकिस्तान के भाइयों को क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे? नहीं नहीं कुछ तो बोले यार। आपके साकिबुल हुसैन हो गया, रहीम हो गया, ये सारे जो नहीं पाकिस्तान इसके दोस्त है ना पाकिस्तान में, करीम, कौन कौन इसके दोस्त? कौन कौन है आपके दोस्त है पाकिस्तान में, पूछो भाई बता दो आप। करीम भाई, सफदर भाई, करीम भाई, और फिर आप भी हैं अभी। हाँ हम हो गए आपके भाई। ओ मेरा भाई, आप खुश रहे, आबाद रहे, हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप कामयाब हो जाए, आप बांग्लादेश का सबसे अमीर बंदा बन जाए, हमारी दुआएं आपके साथ है, खुश रहे, थैंक यू। ये जी ये हमारे सफदर भाई जो नहीं हमें कहीं लेके जा रहे, लेट्स सी कहाँ लेके जाते हैं भाई, हम भी देखना चाह रहे क्या कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड बस शिदाई हो गए उनके। ये मुझे मोटिवेट करते यार कि आप इस मुल्क में आके जो काम करें, पता नहीं हम कामयाब होंगे कि नहीं इस मुल्क में, लेकिन ये कि बड़ा बेहतरीन मुल्क है ये यार। पाकिस्तान बेसिकली आपका भी है ना, आपका भी पाकिस्तान है। हमारा किशन भाई जो नहीं है पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है, और ये भी बोलता भाई कि पाकिस्तान हमारा भी है, हमारा भी पाकिस्तान है। तो ये बोलता भाई पंगा नहीं लो पाकिस्तान से, हमारा भाई बड़ा खतरनाक है, वो सही कर देगा। बाकी हमारी दुआएं हमारे किशन भाई के साथ है, ईशान भाई से माजरत यार, आपका नाम थोड़ा सा गलत दिया। तो आप अपने ख़ानदान को कुछ बोलना चाहेंगे, अपने घर वालों को, तो ये वीडियो हो सकता है वो लोग भी देखें। आप खुश हैं यहाँ इस मुल्क में? इस मुल्क में खुश है आप? क्या बात है, क्या बात है। यहाँ के लोग कैसे आपको सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सफदर आपको सपोर्ट करते हैं? क्या बात है, क्या बात है। ये हमारा सफदर भाई है, जो हमारे इन लोगों जो नहीं यहाँ के जितने भी कंट्री की नेशनलिटी है उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि खुद जो नहीं बहुत सपोर्टिव बंदा ये, इसको मैं जानता हूँ इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों काफ़ी एक साथ रहे हैं, तो रिश्ता तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन रिश्ते से बढ़कर रिश्ते हैं हमारे। तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो नहीं हम दुबई जाके शायद हम वाइंड अप करेंगे, तो ये हमारे जो पीछे वाला भाई है ना आज इनके साथ हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम दुबई नहीं जाएंगे, पहले हम लोग शारजा जरा लोकल आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा शारजा के एरिया में जाएंगे, दुबई शायद वो फिर एक नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है। फिलहाल अभी जो हम जाएंगे वो शारजा कवर करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। सही, सो आई डोंट थिंक सो कि दुबई इसमें अभी आएगा, फिलहाल नहीं आएगा ना, नहीं फिलहाल शारजा ही कवर करते हैं। ठीक है ना भाई, आप हमें जहाँ ले जाएंगे हम तो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें यहाँ का कुछ भी नहीं पता, बोलते ना उर्दू में कक भी नहीं पता, लेकिन ये कि असल में इस टाइम पे दुबई जाएंगे तो ना हक्सी में ट्रैफिक बहुत होता है, हम फंस जाएंगे। नहीं 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 खाली, तो अभी भी तो पीछे जो नहीं हमारा भाई, आप यार आप बात नहीं करते तो हम आप आपको भाई समझते हैं, आप हमसे बात नहीं करते। बात कर रहे हैं ना? नहीं करते ना यार, बात कर रहे हैं। बांग्लादेश का सबसे मतलब बेहतरीन खाना क्या है? मेरे ऐसे तो है बहुत खाना है हमारे में, वहाँ मतलब ज़्यादा पसंदीदा खाना क्या होता है? ऐसे तो है बहुत, अब तो बिरयानी भी है हमारे, अपना पाकिस्तान में ज़्यादा बिरयानी खाता है, हमारा मुल्क में भी अभी ऐसा हो गया। आपका फ्रूट कौन सा मशहूर है वहाँ? ऐसा बहुत है, जैक फ्रूट। देखो जब बांग्लादेश में जा रहा हूँ नेक्स्ट ईयर, सही है, घूमने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे कहाँ कहाँ भेजोगे, किधर किधर कौन कौन सी जगह खूबसूरत है वो उस जगह का नाम बता दे। ऐसा है हमारा जो मुल्क में है, ढाका भी है, ढाका भी घुमा सकते हैं आप, फिर चट्टोग्राम भी है, उधर भी अच्छा जगह है। छोटा ग्राम चट्टोग्राम अच्छा सही है, चीटागांव चीटागांव, हाँ
उधर भी घुमा सकते हैं। फिर सिलेट भी है, वो भी उधर अच्छा जगह है, उधर भी है। सही है, उधर बहुत जगह है हमारे, यानी घूमने फिरने की अच्छी जगह है। चलो बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। पूरे कुमेला है, कुमेला है, बहुत बड़ा मच्छी है, एक मच्छी है, बहुत इलिश बोलता है क्या। अच्छा मछली वहाँ का मशहूर है ना? हाँ मशहूर है वो, अच्छा है मछली। मछली तो गाइस अभी हम तो इस भाई से जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना, अब नेक्स्ट जब हम बांग्लादेश का विजिट करेंगे इस वीडियो को टेक भी करेंगे कि इस भाई ने हमें जो जो गाइड किया था ना, हम उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को, क्योंकि हम बांग्लादेश से बहुत प्यार करते हैं। बांग्लादेश वाले हमारे अपने हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी जैसे दुबई एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसी तरह हम बांग्लादेश को भी एक्सप्लोर करें। मैं कोशिश करूंगा सफदर को भी साथ लेके, इस भाईजान को भी अपने साथ लेके ना बांग्लादेश जाएंगे हम। मेरे तो बड़े वर्कर से बांग्लादेश से, और मेरा एक दोस्त भी है वहाँ पे। क्या नाम है उसका? वो है, उसका नाम है वो रफीला, लीडन में है। अच्छा। और सिलेट, सिलेट मेरा फेवरेट जगह है। सिलेट, सिलेट। अच्छा सही है। चिटागोंग भी है ना कोई? चिटागोंग है, सिलेट है, कुमेला है, छठपुर है, ढाका है, तुम किधर जाना हमको पूरा पता है। बस तो ये इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट में जो नहीं है बांग्लादेश का विजिट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम शारजा में हैं, तो शारजा को थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। देखो ट्रैफिक है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ट्रैफिक वो वाला ट्रैफिक नहीं है जो पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज में होते हैं कि एक एक घंटा आपने वेट करना है। यहाँ पे ये होता है कि 5 मिनट के अंदर पूरा रोड खाली हो जाता है। मूविंग ट्रैफिक है, तो ये मूविंग ट्रैफिक है। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने इस वीडियो को अभी स्टार्ट किया देखना, तो आप लोगों से गुजारिश है भाई कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी शारजा के बारे में जानकारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।